दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जिसका साइज है 11x30, मतलब 11x30 का हाउस प्लान है, जिसमें टू साइड आपका रोड मिलता है, मतलब कॉर्नर का प्लॉट है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्पेस में लेता है। यहाँ पर आपको लेटरिन बाथरूम सारी व्यवस्था मिलती है। हालांकि साइज बहुत ही कम है, 11 फीट बहुत ही कम साइज होता है, लेकिन फिर भी फुल डिटेल के साथ और फुल वीडियो मैंने तैयार किया है। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, आप इसे अवश्य वॉच करें, और हमारे कस्टमर थे उनके कहने पर इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको ये मॉडल पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया जाएगा, आप जैसा भी चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको घर क्रिएट करके दिया जाएगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के मॉडल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस मॉडल को आज हम डिस्कस कर रहे थे वो पूरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यही 11x30 में, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इसका जो फ्रंट व्यू है, साइड की बात करें तो ये साइड व्यू है दोस्तों। यहाँ पर ये टू साइड कॉर्नर का प्लॉट है, यहाँ दोनों साइड आपको रोड मिलती है फ्रंट में और साइड में, तो उसी को देखते हुए इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। अगर आपका केवल फ्रंट में रोड है और आपका साइज 11x30 है तब भी आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा डिजाइन किया है। अगर आपका एक साइड भी रोड है तब भी आप इस मॉडल को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसका 2D 3D दोनों मैप में डिस्कस करने वाला हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जूम करके आपको दिखाता हूं, मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूं। ये दोस्तों इसका फ्रंट व्यू, मैंने आपको पहले लुक दिखा देता हूं इसका। ये इसका मैक्सिमम जूम है, आप देख पा रहे हो ये खिड़कियां डोर वगैरह देख पा रहे हो, ये आपकी रेलिंग लगी हुई है चारों तरफ, ये चारों तरफ आपका रेलिंग मैंने बनाया है। यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे ये डोर वगैरह यहाँ पर दिया है मैंने, इसी को पूरा डिस्कस करेंगे ये पूरा। तो ये पूरा मॉडल कैसे बनाया है इसका 2D और 3D रोड। सबसे पहले इसका बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर दोस्तों ये, इसको मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको बहुत क्लियर तरीके से सारी चीज़ें दिखें। तो ये इसका बीम है जो कि POP का, और ये आपका डोर विंडो वगैरह दिया है मैंने। जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टेयर्स, ये स्टेयर्स मिलती जो कि L साइज में मोड़ी हुई दो बार, और उसी के नीचे एक लेटरिन बाथरूम मैंने क्रिएट किया। आप ये देख पा रहे हो कि जो डोर यहाँ पर दिया है ये आपका, क्योंकि साइज 11 फिट ही है और इसी में आपको रूम बेडरूम सब कुछ डिजाइन करना है, तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक मिलता है बेडरूम, जिसका साइज मैं अभी बताऊँगा 2D मैप में डिस्कस जब करूँगा, और हालाँकि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम होगी क्योंकि ओवरऑल 11 फिट है, इसमें आपको गैलरी भी देना है और रूम भी देना है। तो ये हो गया, और जो साइड में रोड है इसलिए मैंने यहाँ पर एक विंडो दिया है, तो इस बेडरूम के लिए ये डोर दिया है। और जैसे आप पीछे आते हैं तो दोस्तों ये आपका एक किचन है, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि जो एक रिक्वायरमेंट थी हमारे कस्टमर, उनके कहने पर डिज़ाइन के, उनको शायद किचन की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर भी लेटरिन बाथरूम रखा है। वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आप दोनों को लेटरिन बाथरूम बनाना चाहते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला, या केवल एक को बनाना चाहते हैं, तो आप इसे किचन भी बना सकते हैं। और सबसे पीछे भी आपको एक बेडरूम मिल जाता है 11x30, हालांकि ये बहुत ही कम छोटा होगा। तो ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का बन के आ जाता है। अगर हम साइड की बात करें, साइड में जो रोड है उसके लिए इस वाला जो पीछे रूम, उसके लिए विंडो दिया है, और ये जो आपका किचन इसके लिए विंडो, और साथ साथ ये वाला जो बेडरूम है इसके लिए मैंने एक विंडो दिया है, और लेटरिन बाथरूम के लिए ऊपर वेंटिलेशन के लिए ऊपर आपका लगभग 7 फीट के बाद भी एक विंडो आप लगा सकते हैं। तो ये तो पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आप आते हैं तो ये पूरा सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर है, बस यहाँ पर ये आपका किचन था ये मैंने हटा दिया है, पूरा एक बड़ा सा बेडरूम, पीछे बेडरूम, और ये आपकी स्टेयर्स वही है, और ये पूरा चारों तरफ बाउंड्री दे दिया मैंने 3 से 3.5 फीट का, जो भी आप देना चाहें आप पे डिपेंड करता है, और रेलिंग लगा दिया है जो कि आपको देख पा रहे होंगे दोनों साइड रेलिंग वगैरह मैंने दे रखी है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जो कि ऊपर गुमटी बना दी है, जिससे आपका विंड जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर बरसात में पानी वगैरह ना जाए, और ये चारों तरफ आप पूरा डोर वगैरह देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज किया है, और ये लास्ट फ्लोर पूरा आप देख पा रहे हो। तो ये 11x30 में हाउस प्लान है। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं 2D प्लान, क्योंकि आपको 2D जब आप समझेंगे तभी आपको इसका समझ में आएगा। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने चीज़ें डिज़ाइन की थी, ये पीछे वाला बेडरूम 9x6 का, मतलब 9.6x6 का अप्रॉक्स है, मतलब 9 फुट इसकी लगभग चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो मात्र 6 फीट है, क्योंकि जगह बहुत ही कम है। इसके बाद ये टॉयलेट और बाथरूम देख पा रहे होंगे 6x3.4 का। इसके बाद ये वाला बेडरूम जो आपको बीच में देखने को मिल रहा था, ये 9x6 का आप देख पा रहे होंगे, और ये स्टेयर्स वगैरह के नीचे जो मैंने लेटरिन बाथरूम दिया था 6.2x3.4 का। दोस्तों ये स्क्वायर फिट में यहाँ पर पूरा डिज़ाइन मैंने बनाया, ये जो 6.2 मतलब 6 फिट 2 इंच x 3.4 मतलब 3 फुट 4 इंच आपको समझ में आ गया। ये इसका मेन डोर था ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा 2D मैप से। अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर का 2D मैप की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं।
पीछे वही आपका बेडरूम है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ये पूरा बेडरूम आपका जो किचन वाला एरिया था उसको हटा दिया है, बेडरूम पूरा बन जाता है, ये आपकी स्टेयर्स बन जाती हैं। तो ये पूरा 2D प्लान है और 3D प्लान दोनों डिस्कस किया, जैसा भी आपको लगा हो हमें अपना फीडबैक जरूर दें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो पेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों हमारी पेड सर्विस में आपको कॉल केयर के बात की जाएगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको समझाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 2D और 3D मैप क्रिएट करके दिया जाएगा। उसका नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें फीडबैक देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।